हाथों पे नीट नजर आया जरूर से था, बट बिहान का पहला नॉक निकाल लिया जाता है। इवन दो टीम टीएसजी पहला नॉक सिक्योर करा था उन्होंने, बट बिहान का एलिमिनेशन भी क्रिएट कर लिया जाएगा। टीम लीड अभी एक अलग स्तर पे पहुंच चुके हैं। ब्लैक बियर आइकॉनिक आरडीपी ऑल आर कॉन्फिडेंट, पहला जब सिक्योर हो जाता है पहला किल आप कंफर्म कर लेते हो, आप मैन पावर एड ज्यादा रहता है, बट किला उसी के साथ नॉकआउट कर लेते हैं। आरडीपी आइकॉनिक एंड सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी आखिर में प्लेयर लोज रेंज पहाड़ी कैरी टू इट जी नहीं, स्नाइपर थे पहाड़ी, फिनिश टॉप कर दिए जाएंगे। टीएसजी एक राउंड पहला जो राउंड है वो सिक्योर कर लेती है। मैं फाइनली पता है क्या कहने वाला था मोनेश, कि अब आ चुकी है वो टीम जो टीएसजी को तो प्लेयर्स और प्लेयर्स को एलिमिनेट करता है वो नीड ओजस्वी का। देखते हैं क्या वो एलिमिनेट कर पाएंगे। अरे पहाड़ी ऊपर आया किला, बहुत ही कम एचपी के, सिंगल डिजिट एचपी इज आर लुकिंग फॉर, बट टॉकिंग अबाउट टीएसजी लेजेंड आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, बट ओजस्वी थमना नहीं चाहते, ये सिलसिला कायम करना चाहते, बट बिहान आते हैं एक और ऑफ एंगल के साथ, एक और फिनिश अप, एक फ्लॉलेस राउंड, कैन दे डू इट, बट लेजेंड यहां पे नॉकआउट कर जाएगा, बट इसी के साथ फिनिश कर दी जाती है। टीएसजी इज जस्ट बीइंग अनस्टॉपेबल। मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ, जब बिहान ने नेट खींचा नो डाउट वो डाउन नहीं कर पाए, बट आपको पता है वहां पे क्या हुआ है, दो प्लेयर्स पहाड़ी आगे कूदते हुए आए तो हो जाएगा उनके लिए इस क्लैश स्क्वाड में जीतना। मिल का एरिया फिर से वही सिचुएशन ब्लैक बियर्ड जो हमें टोटल गेमिंग में दिखाया था, वही फायदा हमें देखने को मिलेगी टीम टीएसजी की तरफ से। लो ग्राउंड का यू नो फायदा ही मिलता है यहाँ पे अगर आप नेडिंग अच्छी करनी चाहते हो, और टीम टीएसजी की तरफ से हम नेड ही एक्सपेक्ट करते हैं। और इस बार से शुरुआत ही ओपनिंग यहाँ पे निकाल दिया था उन्होंने, अनकैपिटलाइजेशन करने की कोशिश भी की, सामने पहाड़ी को स्पॉट करते हैं, सामने पे नेड आया, क्रोनो की एबिलिटी है उसे बचाने के लिए और चीज का इस्तेमाल भी किया जाएगा, बट सर्कल क्लोज इन करेगा फेवर पे है टीएसजी के, और इस फेवर को उठाना चाहती है टीएसजी, बट बात की लेजेंड की ऑफ एंगल पे मौजूद है, क्रोनो के अंडर आने की कोशिश करते हैं, टीम एलीट उन्हें स्टॉप ही नहीं कर पा रही है। टीम एलीट किला आखिरी बचे प्लेयर बच जाते हैं, बट कैन ही परफॉर्म दैट वन बिग फोर क्लच, नहीं एक फ्लॉलेस राउंड टीम टीएसजी निकाल लेती है। आह एक चीज और हो गई कि अगर क्लोज इन हेड 2v1v1 का यहां पे स्प्लिट देखने को मिलने वाला है, एंड अगर हम बात करें टीएसजी का 3v1 का स्प्लिट एक ही तरफ से, ओजस्वी सारे प्लेयर जा रहे थे, ओजस्वी को डाउन कर दिया गया, सास्की को डैमेज पड़ा है, 50 एचपी डाउन है, वो रिवाइव यहाँ पे मिलेगा ओजस्वी को। चलिए कम से कम एक अच्छी बात है कि नॉक आया, रिवाइवल मिला, बट वंस अगेन यहाँ पे पहाड़ी ओपी होते हुए अपने ओम के साथ नॉक निकालेंगे, ओजस्वी का नेड आया, टारगेट करें तो वो ज्यादा अच्छा है, ओम का डैमेज बहुत ज्यादा है, बॉडी शॉट भी पड़ता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पे विहान को और लेजेंड को आरडीपी अक्रॉस द बॉल डाउन करेंगे, लास्ट प्लेयर सास्के के पास है ओम, 1v4 एंड फाइनली टीम लीड यहाँ पे पहला राउंड जीत गई है, 3-1 is the score and finally I am expecting एक comeback मोनेश हमें आता है जरूर से, लेकिन हाँ अगर ये खुले पे गए तो उन्हें भी पता है कि पहाड़ी वहाँ पे damage deal up करेंगे, उन्हें पता है कि वो पहाड़ी ही है player, लेकिन इसी के साथ पहला दूसरा knock आता हुआ, look at team elite, जैसे ही ओम का आगमन हुआ है टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है, knocks and finishes का सिलसिला जारी रहने वाला है। सासुके का आखिरी बचे प्लेयर बच जाते, कैन ही बी द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर ब्लैक बियर्ड, बहुत मुश्किल, मुझे नहीं लगता है आप साथ के कुछ खास कमाल कर पाएंगे। एंड इसी के साथ फाइनली बैक टू बैक तीन राउंड्स यहां पे जो जीती थी टीएसजी बैक टू बैक जो जीत रही थी उसका सिलसिला खत्म, दो राउंड्स यहां पे जीत चुके। मैं जनता से कहना चाहूंगा 3-2 बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फ्री फायर प्रो सीरीज का ऑब्वियसली लीग से जब आएगा मजा आएगा, बट यस टीम एलीट इज लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ बिकॉज उन्होंने दो राउंड तो जीत ही लिया बैक टू बैक, एंड आतिक साथ विहान को डाउन किया, ओजस्वी भी काफी ज्यादा। प्रो सीरीज एंड लीग स्टेजेस पे किस अलग स्तर का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बट हाँ बात कर लेते हैं एक बार से फाइट की, टीम टीएसजी ओजस्वी आते हैं फिर से क्लोज रेंज पे अगेन विद दैट यूएमपी, ओजस्वी आएंगे उन्होंने नॉकआउट कर लिया जाएगा, शॉट आप देखिए ऑन पॉइंट लग रहा है पहाड़ी का, बट आरडीपी को भी ऑन दिया था 105 पे टेक डाउन कर लिया जाएगा, फिर शॉप भी कर देंगे एंड 1v2 की फाइट होने वाली है, बट नो सासुके को भी पकड़ लिया जाएगा एंड तीन प्लेयर सर्वाइव करते हुए टीम एलीट निकाल लेती है एक और राउंड। अब देखिए टीम एलीट भी हर बार बहुत अच्छे नेड्स कर रही है, फाइनली आइकॉनिक के हाथ में नेड है, ओजस्वी को स्पॉट तो नहीं बट उनका साउंड आ चुका था, देखिए ओजस्वी को यहाँ पे नेड का डैमेज आया बट ऑम से फाइनली यहाँ पे पहाड़ी के द्वारा नॉक कर तो दिया गया, बट में आगे जाने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या वो लीड मारेगी, हर तरफ नेट पे नेट एंड ओजस्वी डाउन, विहान एंड लेजेंड यहां पे बचे हुए 2v3, बट अभी भी कुछ भी निकाला जा सकता, विहान बस था आइकॉनिक, आइकॉनिक के हाथ में यहां पे है यूएमपी, पर सामने विहान के पास M1887, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को मार रहे, बट नहीं आइकॉनिक डाउन करेंगे विहान, इवन दो उनके पास था M1887, बट क्या ही डॉज एंड फायर किया आइकॉनिक ने, लेजेंड इज द लास्ट प्लेयर एंड फाइनली टीम एलीट इज बैक ऑन टॉप, जीत
तो नहीं अभी वो गए पूरी तरीके से, बट यस उन्होंने बता दिया कि कहां कहां पे कितने प्लेयर रहने वाले, बट सासके वो भी ऊपर पे मौजूद रहेंगे। आरसी के साथ सासके का पहला नॉक जुटता हुआ ही कर देंगे, बट आइकॉनिक की बात करें क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट रहने वाला है, वो जस्ट भी आते पीछे से बैक स्टैब क्रिएट करने की कोशिश, दोनों दूसरे के क्रोनो के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन एज सच ब्लैकबियर्ड इस बार ओजस भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत ही कम एचपी के सर्वाइव करें, 4 एचपी टू बी एग्जैक्ट यहां पे सर्वाइव, बहुत ही कम एचपी के 2 डिजिट में है हालांकि, बट हां सर्वाइव कर जरूर से रहे हैं, लेकिन लेजेंड कैन ही परफॉर्म दैट क्लच, कैन ही परफॉर्म दैट 1v3 क्लच, नहीं बिहान का भी यहां पे रिवाइवल आ जाएगा। और इसी के साथ फिर से दोनों ही टीमें इक्वल मैन पावर के एडवांटेज के साथ हमें मौजूद देखने को मिलेगी, बट किलर स्पॉट कर जाएंगे, फिनिश ऑफ कर लिया जाएगा, 1v2 की फाइट रहने वाली है। आइकॉनिक वर्सेस लेजेंड एंड बियॉन्ड कैन ही परफॉर्म दैट क्लच, आइकॉनिक 1 HP left but no beyond finish off कर देंगे iconic, और इसी के साथ 4-4 का स्कोर बन चुका है ब्लैकबियर्ड। एक चीज रात ये दो प्लेयर्स एक साथ मौजूद रहने वाले, पहाड़ी के पास एक अपर हैंड एडवांटेज रहने वाला है, उसी के साथ ने टॉस किया, ओपनिंग क्या बनेगी ओजस्वी के ऊपर, जी हां ओपनिंग बनती है पहाड़ी ऑन पॉइंट नेडिंग, एजेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि लेजेंड एक ऑफ एंगल क्रिएट कर रहे हैं एंड एक बहुत अच्छा फ्लाइंग एंगल निकालते हुए क्रोनो की एबिलिटी यूज करते हुए आरडीपी के ऊपर शॉट लेने की कोशिश करते हैं जरूर से, लेकिन ऐसा कोई डैमेज डील हो नहीं पाता, सासके को टेक ओवर कर लिया जाएगा, ओजस्वी नॉकआउट कर लिए जाते हैं, बिहान भी नॉकआउट कर लिए जाएंगे, एंड के साथ पूरी टीम धराशायी हो जाती है, टीम एलीट एक राउंड सिक्योर कर लेती है। शुरुआत में कहा था ब्लैकबियर्ड फॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल, इस बार वो फॉर्मेशन जीत दिला देती है, बिल्कुल सही, और फाइनली डिसाइड होने वाला है कि कौन सी टीम बनने वाली है किंग ऑफ द हिल, फाइनली आरडीपी उनको पछता दिया गया, आरडीपी ने यहां पे खूब सारे ग्लू वॉल लगाए, हीलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, दोनों तरफ से एक एक प्लेयर डाउन हो चुके 3v3, बट एक चीज आरडीपी को उठने का मौका नहीं दिया जाएगा, बट ओजस्वी मीनवाइल उन पे रिवाइवल आ चुका है, विहान फिर से डाउन किए जाएंगे, अगेन 3v3, क्या विहान को रिवाइवल आएगा, मुझे लगता है आप देखिए एक नॉक रिवाइवल यहां पे जिस तरह से फाइट चल रही है कि एक एक अगर हमें नॉकआउट देखने को मिलता है तो दूसरा भी नॉकआउट दूसरी टीम पे आ जाता है, और इस बार अब देखिए बट फाइनली टीम एलीट के जीतने के आसार बढ़ चुके हैं, इस बार लेजेंड भी डाउन हो चुके हैं, फिनिश ऑफ भी कुछ देर पे हो जाएंगे, लेकिन जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय का मिशन है वो चालू हो चुका है, सासी के ऊपर खुद को बचाने का प्रयास, फिर से वही स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे, लेकिन क्या फिर से वो स्ट्रेटजी एप्लीकेबल बनेगी या फिर नहीं, सामने पे ग्लू वॉल टॉस किया गया जरूर से और ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सासी के, बट यहाँ पे सही वक्त टाइम बाय करा जाना चाहिए ब्लैकबियर्ड, एंड ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है टीम डीएजी की तरफ से एंड टीम एलीट की तरफ से, एंड वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट सासके जस्ट जंपिंग बैक करते हुए खुद को बचाने का प्रयास चल रहा है इनका, नीचे कूद चुके हैं, और इसके साथ अभी के लिए हील बैटल करना एक आखिरी ऑप्शन बन जाता है, बस खुद को बचाना है इनसे, और इसके बाद आखिरी जो सर्कल रहता है वहां पे हील बैटल कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल फाइट रहती है ब्लैकबियर्ड एंड फैक्ट्री का एरिया वर्टिकल फाइट लेके आता है, एंड सासके छुपा चुके हैं खुद को, बट इसी के साथ फाइट लेना चाहते हैं, हिम्मत नहीं आ रही है, बहुत बड़ी चीज है, बट अभी के लिए टीएसजी क्या वो ताज खुद के पास रख पाती है देखने वाली बात रहती है। आइकॉनिक आएंगे हर तरफ से घेर चुके हैं सासके को, फिनिश ऑफ, और इसी के साथ टीम एलीट जो सिलसिला चल रहा था जीत का उसे खत्म कर देते हैं। यानी स्टार्टिंग में एक बात यहाँ पे कही थी कि टीम एलीट इज वन ऑफ दोस टीम जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फुल्ली रेडी हो चुकी है, एंड